हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम हकार सिंह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड ट्रांसलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसलेशन अपना टॉपिक चल रहा है और उसमें आज चैप्टर नंबर आपका 7 है, और जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 में आपको ट्रांसलेशन में जो सिंपल सेंटेंस है वो सब हम करा चुके हैं। आज देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, इस काल में वाक्य के अंत में तात है, ती है, ते हो या ते हैं शब्द होते हैं। यह काल तीन बातें प्रकट करता है, वर्तमान समय में होने वाला कार्य, नंबर बी आदत प्रकट करने वाला कार्य, और नंबर सी सदैव सत्य रहने वाली बात। तो डियर फ्रेंड्स, इन्हें आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद के नियम। नंबर एक, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था के अंत में एस अथवा ईएस जोड़ा जाता है, और नंबर दो, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं, और नंबर तीन, यू तथा आई के साथ सदैव प्रथम अवस्था ही प्रयोग की जाती है। ओके, देखिए इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बढ़ा देंगे, और यदि प्लूरल नंबर का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, अब देखेंगे सेंटेंस। नीरज पत्र लिखता है, नीरज राइट्स ए लेटर। मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। वे सैर करने जाया करने जाते हैं, तो दे गो फॉर ए वॉक। और नंबर फोर, सूर्य पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और नंबर फाइव है, शेर दहाड़ा करते हैं, लॉयंस रोर। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम। नंबर एक, निषेधात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं, और कभी नहीं का अनुवाद नेवर होता है। एक वचनकर्ता के साथ नेवर को डज नॉट के स्थान पर प्रयोग करते हैं, क्रिया के अंत में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है, और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे आप, यदि नेवर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, वह गाना नहीं गाता है, तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुम अपना कार्य नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क। अब देखिए थर्ड देखेंगे हम, मोहन कभी झूठ नहीं बोलता है, तो मोहन नेवर टेल्स ए लाई। नंबर फोर, हम वहाँ कभी नहीं जाते हैं, वी नेवर गो देयर। नंबर फाइव, वह मेरी सहायता नहीं करती है, शी डज नॉट हेल्प मी। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अनुवाद के नियम। नंबर एक, जब वाक्य क्या शब्द से आरंभ होता है तो डू या डज को कर्ता से पूर्व वाक्य के आरंभ में रखते हैं, और क्रिया की प्रथम अवस्था को कर्ता के पश्चात रखते हैं। स्ट्रक्चर, डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो है इंट्रोगेटिव मार्क आता है, चाहे वो हिंदी के वाक्य हों या इंग्लिश के, हमेशा ध्यान रखना। ओके, नंबर दो, जब प्रश्न सूचक शब्द कैसे, कहाँ, क्या इत्यादि वाक्य के मध्य में हो तो
उसके अनुसार वाय वेयर व्हाट को डू या डस से पूर्व वाक्य के आरंभ में रखते हैं। और नंबर 3, जब प्रश्न सूचक शब्द हु स्वयं करता हो तो इसके बाद डू या उसके बाद डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हु के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा कर प्रयोग करते हैं, जो आगे आपको सेंटेंस में हम आपको एक सेंटेंस हु का भी करके बताएंगे। ओके, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु आदि, प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में हम नोट का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क अवश्य लगाएं। अब नंबर 4, कार्य पर अधिक जोर डालने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू या डज का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं जाता तो हूँ, आई डू गो, वह अवश्य झूठ बोलता है, ही डज टेल ए लाई। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के, हाँ दोनों की स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ आपको, क्या कैसे आरंभ वाले हुए और क्यों से, या क्या क्यों कब, ये जब वाक्य के मध्य हो तब भी। ओके, तो अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक। सेकेंड है, क्या तुम उसका कहना मानते हो, डू यू ओबे हिम। नंबर 3 है, वह वहाँ क्यों जाते हैं, व्हाई डू दे गो देयर। नंबर 4, तुम शाम को कहाँ खेलते हो, तो वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग। नंबर 5 है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब देखिए कौन वाला आ गया, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ डू या डच का प्रयोग नहीं हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बढ़ा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, आपके पास जो भी बुक है उसमें वो सारी एक्सरसाइज कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कहीं भी। ओके, गुड बाय।